हमजा शहबाज ने पंजाब के वजीर अला का हलफ उठा लिया। अदालती हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली ने हलफ लिया। तकरीब में मरियम नवाज, अलीम खान और दीगर ने शिरकत की। वजीर अला हाउस में हमजा शहबाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इमरान खान की अना ने पंजाब के अवाम को नुकसान पहुँचाया। गवर्नर ने अदालती फैसलों का मजाक उड़ाया। वजीर अला पंजाब हमजा शहबाज चार्ज संभालने के बाद जहांगीर तरीन की रिहायशगाह पहुंचे। जहांगीर तरीन ने खुद इस्तकबाल किया। डिप्टी स्पीकर भी मौजूद थे। वजीर अला के इंतखाब में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। वजीर अला से आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने मुलाकात की। अमन अमान से मुतालिक इजलास आज शाम तलब। मरियम नवाज ने इमरान खान को फितना करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ वो पीटीआई का सोचा समझा मंसूबा था। पीटीआई ने वजीर अला के हलफ के लिए अदालती अहकाम हवा में उड़ा दिए। मजीद खिलाफ वर्जियों पर इन्हें जेल में डालना चाहिए। जब इलेक्शन ही नहीं हुआ तो मान कैसे लें, सूबा आईनी बहरान का शिकार है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का दावा। गवर्नर पंजाब ने तकरीब हलफ बर्दारी की आईनी हैसियत के जायजे लेने के लिए आईनी माहिरीन और वकला को तलब कर लिया। और इंतहाई इमरजेंसी केसेस के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ईद की छुट्टियों में भी दस्तयाब होगी। अदालत की जानिब से गैर मामूली वजाहत। सर्कुलर के मुताबिक ईद की छुट्टियों में केस दायर हो सकेगा। अदालत केसेस देखकर ऑर्डर जारी करने के लिए दस्तयाब होगी।